हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। मित्रों, ये जो इयररिंग्स मैंने पहन रखे हैं, ये इसमें माँ लक्ष्मी बनी हुई है, छोटी सी, देखिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, जयपुर के जवाहर कला केंद्र में एक एग्ज़िबिशन लगी थी जहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर इयररिंग्स थे, तो मैं वहाँ से ये लेकर आई थी, तो बहुत अच्छे लगे मुझे। और ये लक्ष्मी जी बने हुए हैं इसमें। अब हर स्त्री एक लक्ष्मी का रूप होती है, हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि जितना सम्मान लक्ष्मी जी को मिलता है उतना उस स्त्री को नहीं मिल पाता है। हर स्त्री, हर पुरुष, हर जीव अपने आप में शुद्ध और पवित्र होता है, लेकिन अपने आचरण की वजह से वो उस पवित्रता को खो बैठता है, और यही कारण है कि समाज में उसको सम्मान नहीं मिलता है। तो ऐसी क्या खास वजह है कि बहुओं को यथोचित सम्मान नहीं मिलता है? वो कहने को तो गृह लक्ष्मी होती हैं, लेकिन वो सम्मान उन्हें नहीं मिल पाता है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि वो स्वयं भी इसके ज़िम्मेदार होती हैं। तो ऐसी क्या गलतियाँ हैं उनके अंदर जिनको दूर करके वो गृह लक्ष्मी का सम्मान पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकती हैं, ससुराल में इज्जत प्राप्त कर सकती हैं? सबसे बड़ी जो कुछ खास गलतियाँ वो करती हैं उनको मैं गिनाती हूँ, और इसको सिर्फ आपको आपके व्यक्तित्व को परिष्कृत करने के लिए बता रही हूँ मैं। इसमें कहीं भी ये भावना निहित नहीं है कि आपका उपहास किया जा रहा है या आपकी कमियाँ गिनाई जा रही हैं। और देखो, आपकी कमी वही बताएगा जो आपका शुभ चिंतक होगा। तो उसी नाते मैं आपको बता रही हूँ कि हमें ऐसी क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए कि हमें ससुराल में यथोचित सम्मान मिले। तो नंबर एक से शुरू करती हूँ। पहली चीज़, बहुत देरी तक नहीं सोना चाहिए। हाँ, नींद आ रही है तो आप क्लियर कट बोल सकते हो कि आज मैं देर तक सोऊंगी, मुझे नींद आ रही है, मुझसे नहीं उठा जा रहा है। लेकिन मन में ये कामना रखते हुए कि मुझे काम ना करना पड़े इसलिए देरी से जगूं, जेठानी कर ले तो अच्छा, दौरानी कर ले तो अच्छा, इस तरह के नकारात्मक विचार आपके भीतर नहीं होने चाहिए। कोई करता है तो ना करे, आपको अपना कर्तव्य हमेशा करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का निर्वाह आपको करना चाहिए। सम्मान इसी से मिलता है। तो एक तो ये प्रवृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा, किसी के भी प्रति मन में ज्वेलस का भावना ना रखें, जलन की भावना ना रखें। अगर आपके जेठ जेठानी ज़्यादा कमा रहे हैं, आपसे ज़्यादा काबिल हैं, तो उनसे जलन की भावना ना रखें, बल्कि अपनी योग्यता को बढ़ाकर उनके बराबर खड़े होने के सामर्थ्य अपने भीतर पैदा करें। ये सिर्फ आपके कर्म और मेहनत से ही हो पाएगा। इसके अलावा अपने पीहर की बात ससुराल में ना डिस्कस करें, और ससुराल की बुराई तो भूलकर भी अपनी मम्मी से या पीहर के और लोगों से ना करें। ससुराल में यदि कोई कमी आपको नज़र भी आती है तो मिल बैठकर उसका सॉल्यूशन निकालें, और कभी भी ये ना सोचें कि आपके हस्बैंड अगर अपनी मम्मी से ज़्यादा बात कर रहे हैं, अपने भाई से, जेठानी से, तो किसी प्रकार की नकारात्मक बात अपने भीतर ना लेकर आएँ। देखो, वो सबके हैं और आप खुद भी सबका दिल जीतो और सबके बनो, ऐसी भावना अपने भीतर पैदा करो। पति यदि अपनी मम्मी से बात करता है तो उसमें बुराई क्या है? एक बार बताओ, आपकी सास ने उनको जन्म दिया है तो क्या उनका अधिकार नहीं है? या आपके पति का क्या ये मन नहीं करता कि वो अपनी माँ से भी बात करें? कई स्त्रियाँ इस बात को लेकर झगड़ा करती हैं कि आप मम्मी की बात को, मम्मी का बनाया हुआ खाना तो बड़े स्वाद लेके खाते हो, मेरे हाथ का खाना तो नहीं खाते हो। तो आप सबसे बड़ी चीज़ है, आप अपने भीतर वैसे उद्गार तो पैदा करो, आप अपने भीतर वैसे प्यार तो पैदा करो। आप कभी कंपेयर मत करो। कंपेयर तब करते हो जब आप स्वयं के अंदर हीन भावना कहीं ना कहीं छुपी हुई रहती है और आप अंदर ही अंदर खुंदक खाते हो। ये मत करो बिल्कुल भी। आप सास का बना हुआ खा रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है, आप भी खाओ ना साथ में, और अच्छे अच्छे व्यंजन बना के घर में सबको खिलाओ। अपने कर्तव्य की तरफ देखो, ये मत देखो कि दूसरा क्या कर रहा है। आप ये सोचो कि आपने क्या किया है, आपने क्या दिया है किसी को। ये सोचोगे ना तो आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी। प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब हर रिश्ते से आप उम्मीदें जो होते हो, आप ये सोचते हो कि इसने मेरे लिए क्या किया, उसने मेरे लिए क्या किया। आप हमेशा जब भी विश्लेषण करो तो आत्ममंथन करो कि आपने किसको क्या दिया है, किसके लिए क्या किया है। और देखो, खर्चा करने से रिश्ते नहीं निपते, रिश्ते प्यार से निपते हैं। अपने भीतर जब आप प्यार पैदा करोगे तो वो प्यार दिखेगा। निस्वार्थ भाव से प्यार होना चाहिए सबके लिए। जब प्यार के भीतर स्वार्थ शब्द एंटर हो जाता है तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता है। सास कितनी भी खराब है, ससुर कितने भी खराब हैं, कोई भी कितना भी खराब है, आप धीरे धीरे उनके मन को बदल सकते हो मेहनत के द्वारा, उनके प्रति डेडिकेशन के द्वारा। आप कभी भी सास की बुराई अपने पति से मत करो भूलकर भी। अगर उनकी कोई कमी आपको नज़र आती है तो मन ही मन रखो और उसका सॉल्यूशन निकालो कि किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पति से बार बार शिकायत करोगे ना तो पति फिर आपको ही गलत समझेंगे। ये गलतियाँ अक्सर बहनें करती हैं, तो ऐसा मत करो आप बिल्कुल भी। किसी से भी डिस्कस मत करो, अपनी मम्मी से, वर्क प्लेस से। आपकी शादी हो चुकी है, आप समझदार हो, आप कोई बच्चे नहीं हो। तो जब आपने शादी का निर्णय लिया, आपका विवाह हुआ, तो आप में ये मैच्योरिटी तो होनी चाहिए कि छोटी छोटी समस्याओं का सॉल्यूशन खुद निकालो। ये क्या कि ये प्रॉब्लम हुई तो उससे पूछ लो, उस फ्रेंड से पूछ लो, पड़ोसन से पूछ लो। आप खुद ही इतना बखेड़ा खड़ा कर देते हो कि आपकी जगह जगह फिर बेइज्जती होना चालू हो जाती है, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। अगर आपको ससुराल में सम्मान नहीं भी मिल रहा है तो इसके बारे में बाहर वालों को मत बताओ।
एक दो शुभचिंतक हो सकते हैं, हर किसी से अपने दुखड़े रोने से अपनी ही इज्जत कम होती है, अपना ही सम्मान कम होता है। लोग सोचते हैं इसको तो कहीं से सम्मान नहीं मिल रहा, तो फिर दूसरे क्यों सम्मान देंगे। आपकी बात का वजन होना चाहिए, आपका दबदबा होना चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब अपने घर की छोटी छोटी बातों को आप स्वयं सॉल्व करो, और उससे आपके सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अगर आप बार बार ससुराल की बुराई 10 जगह करोगे, तो ये मान के चलना आप ससुराल की नहीं अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रहे हो। तो अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, अपनी इज्जत को कायम रखने के लिए थोड़े समझदार बनो, और छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने की बजाय अपनी बुद्धिमत्ता से उनको सॉल्व करो। ऐसा करने से आपको वाकई में सम्मान मिलेगा ससुराल में, और आपका जिसको बोलते हैं लक्ष्मी होना सार्थक होगा। और सबसे बड़ी चीज़ अपने पैरों पे खड़े हो। आप जमाना वो नहीं रहा है कि आप घूंघट वाली बहू घर में बैठी है। आज जितने कंधे से कंधा मिला के लड़कियाँ काम करती हैं, उनको अधिक सम्मान मिलता है। अगर आप घर में 4 पैसे कमा के लाते हो तो आपको सम्मान मिलता है। तो ये आप पर ही है कि आप अपने सम्मान को किस तरह से कायम रख सकते हो। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। भगवान आपके जीवन में खुशियाँ बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।